साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। किए प्रथमे गुरुजी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश तृतीय सुमिरो मां शारदी तमिर कारज करो की गजान न भूत गड़ा दिशेवित कपिष्ट जंबु फल चार भक्षण उमा सुतम शोक विनाश कारक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। किए शिव ने वर में दे दिया सबसे प्रथम पूजने लगे तो जग में आदि गणेश गणपति जी के नाम से रुदूर सब एक बार मिलकर कहो श्री गणपति जी की जय। बोलिए गौरी के लाल की जय। कहा भी जाए कि हमारे हिंदू धर्म में हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्न विनाशक भगवान गणेश का वंदन करते। आज उसी नियम के अनुसार प्रभु के चरणों में भगवान गणेश की स्तुति वंदना करते हुए चलेंगे और सभी भक्तों को दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बसा देते चलना है। बोलिए गौरी के लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भगवान गणेश साक्षात रूप में और बाल रूप में सभी भक्त के बीच आए हैं दर्शन लेने। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डू को भोग लागे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डू को भोग लागे संत करे सेवा। संत करे गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ताली बजा के देखिए किस किस को क्या क्या देते हैं। अंधों को आंख देते घोड़े को काया पाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। अंधों को आंख देते घोड़े को काया पाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती
मेरी चूहे की सवारी। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। सूर्य चाप चरण आए सफल की जैसे जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा, 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 माता जाति पार्वती पिता महादेवा। अब के तो गौरी के लाल की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। आज उस मैया का वंदन करेंगे जिस मैया ने हमको और आपको सब मीठी सी वाणी दी है, उस शारदे मैया का वंदन करते चलेंगे। क्योंकि भक्तों, अगर माँ शारदे कृपा न हो तो गाना बजाना दूर की बात, हम और आप भक्त आपसे बातें भी नहीं कर सकते। आज मीठी सी वाणी जी शारदे मैया ने दी है, तो चंद शब्द शारदे मैया के चरणों में कह दो। सरस्वती मैया की जय, कि वीणा वादन शारदे, कि वीणा वादन शारदे, और मम घट के पट खोल, कंठो विराजो मां सरस्वती, ताकि मीठे बोलूं बोल। कह दो सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। सभी व्यक्तियों दोनों हाथों से मीठी ताली बजाते हुए चलना है, स्वर की रीमा सार्थक बनाना है। कि सारदा सरस्वती सुमिरों में बार बार, सारदा सुमिरों में बार बार, हो गौरा मैया सुमिरों में बार बार, हो गौरा मैया सुमिरों में बार बार, हो सुमिरों में बार बार मैया, सुमिरों में बार बार मैया, सुमिरों में बार बार, सारदा सुमिरों में बार बार, हो गौरा मैया सुमिरों में बार बार। अरे पहले मैं सुमिरों जननी अपनी गौरा माँ, पहले मैं सुमिरों जननी अपनी गौरा माँ, जिन मोहे अटलिका रो इनको स्वागरा।
विभाग की लीला का वर्णन बड़े ही मनोहारी ढंग से शर्मा एंड पार्टी ने तले, क्योंकि भक्तों देवता में यही देव ऐसे हैं जिनका की विवाह रीति रिवाज से हुआ है। देवता में विवाह रीति रिवाज से केवल भगवान शंकर का हुआ, का देवता को ब्याह में। आज उन्हीं आदर्शों पर हम और आप चल रहे हैं, लेकिन आज समय बहुत बदल गया। पहले जिस प्रकार इनका विवाह हुआ तो हमारे आपके विवाह वैसे हुआ करते थे, लेकिन आज तो एक दिन में दो दिन में ही सबरे काम ब्याह के है जाते। आज जो आपकी कथा ये प्रस्तुत करने आ रही है, इनके 108वें जन्म की है, लेकिन आज आप सभी भक्तों के बीच इनके 3 जन्म की लीला का वर्णन प्रस्तुत करेंगे। पहला जन्म सती, दूसरा सत्य, तीसरा गौरव। जय शंकर भगवान की जय। हर हर श्रीपति श्री कमलापति और मेरे जगत पिता जगदीश और रुक मेरे पति राधापति तुम्हें नवाऊं कि कैलाशी वासी प्रभु और मेरे दंतन भोलेनाथ लाज दास की राखियों में चरण नवाऊं। अब क्या दो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भक्त एक समय की बात कि भगवान शंकर सती जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे। सती ने क्या देखा कि देवता अपने अपने विमानों पर सवार होकर जा रहे हैं, तो सती पूछने लगी भगवान भोलेनाथ से, हे नाथ ये सभी देवता कहां जा रहे हैं और आप क्यों नहीं जा रहे। भगवान शंकर ने कहा कि सती जो जा रहे हैं जाने दो, जिद मत करो। लेकिन सती जिद करके कि नहीं नाथ ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा, ऐसा कौन सा राजा हो गया जिसने कि सभी देवताओं को बुलाया और हमको तुमको नहीं बुलाया। भगवान शंकर बोले सती मान जा जिद मत करो। तो कहा भी गया कि भक्तो त्रियाहट राजहट और बालहट। जब सती ने जाते जिद की तो भगवान शंकर बोले सती सुनो मैं बताऊंगा कहां जा रहे हैं, तो बताने लगे कह दो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अरे तती तेरे दक्ष पिता ने बताने लगे भगवान शंकर सती सुनना चाहते सुनो। अरे तती तेरे दक्ष पिता ने योगे या क्या कौन भारी। तो राजा दत्त की नगरी का नाम था कलखन नगरी। के कन खल भिजुरी अति भारी और वगी पे जाय रे जे सब नर नारी। और के सती सती तेरे धर्म पिता ने सती तेरे धर्म पिता ने यो है तेरे धर्म पिता ने
हर शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भक्त सती ने इतनी बात सुनी, बिल्कुल नाथ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पिताजी अगर चाहें, अरे निमंत्रण, अरे निमंत्रण तो आए हो गो है सकत कोई ऐसा बड़ो बड़ो टुकड़ा लेके आए हो। तुम्हारी एक रास्ता बहुत बढ़िया है, 10:30 बजे फोन करो, मैंने बोलो 15 मिनट में आ रहा हूँ, 12 बजे आया। तुम्हारी यहाँ की रास्ता बहुत बढ़िया है, अरे कब खाई में पर हो गो। तो यहाँ सती और भगवान भोले से हाथ जोड़कर विनती करने के लिए कि नाथ अगर तुम आज्ञा दे दो तो मैं ही चली जाऊं, क्योंकि मैंने जिस दिन आपके साथ शादी की मैं ये बाबुल सिंह मिली। तो सती यहाँ भगवान शंकर सिद्ध की किसान विनती करने लगी, कह दो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। अरे कह दो तो लट धारी चली जाऊं, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। भगवान शंकर बोले सती मान जाओ, जिद मत करो। फिर बताने लगे सती सुनो, जो निमंत्रण से जाता है उसका आदर सम्मान होता है, और संजय भैया जो बिना दो तक ही पहुंच जाए, पानी क्यों ना पूछे। हाँ तो बताने लगे सती सुनो कि बिना बुलाई तुम सुनो सती जी, मत जइयो प्योसार, अरे और अतिथियों जैसा तुम्हारा नहीं होगा सत्कार, कहीं तुम मेरी मानो मती पी हर की। कैसा है, अरे प्रजापति बनो तेरो बाबुल भयो कमंडी वारी, प्रजापति बनो तेरो बाबुल भयो कमंडी वारी, अरे याज्ञ रचायो वाने एक चिट्ठिया तक नहीं डारी, याज्ञ रचायो वाने एक चिट्ठिया तक नहीं डारी, ना
रही तुम भी मानो मती पियर की जानो रही तुम मेरी जानो मती पियर की जानो रही तुम मेरी मानो मती पियर की जानो रही तुम मेरी जानो मती पियर की जानो। अब कह दो शंकर भगवान की जय। ये सत्य बात है बेटा, ये सत्य बात है कि ससुराल में कितने सुख साधन हुए और पीहर में कितने दुख मिले, लेकिन पीहर की बुराई कोई बेटी अपने मुखारविंद से नहीं करेगी, न पीहर की बुराई कर सकती है, न पीहर की बुराई सह सकती है, सुन सकती है। ऐसी सती ने यहाँ थे कि थोड़ा गुस्से वाला रूप के भगवान से खरी खोटी सुनाने लगी। कह दो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। और कहने लगी अरे ऐसी काले लई बोलो। कहने लगी नाथ ना सुने, मैंने मुझको तुमने खरीद नहीं लिया है, मैं तो जरूर जाऊंगी। अरे ऐसी काले लई बोलो हमोले खदाई दो जरूर कहूंगी मैं पीहर अपने जाऊंगी भगवान की जय। हर हर महादेव। भक्तो इतनी बात सती के मुखारविंद से जब भगवान शंकर ने सुनी, विचार के जिद करके नहीं रुकेंगी, कहा के सती जान तो रही हो, एक बात का ध्यान रखना, अगर वहां तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारे पिता के तुम्हारा अपमान हो, तो लौट करके मेरे पर्वत बताना पिता के यहां पर ही रहना। हे भक्तो सती को विश्वास था कि मेरे पिताजी मेरा अपमान क्यों करेंगे, तो सती बड़ी खुशी खुशी अपने पिता राजा दक्ष के जब पहुंची तो राजा दक्ष ने देखते ही इनका अपमान, ए लड़की तू ही आई है, तेरा नशेड़ी भी आया है। भक्त इतना सुनते ही सती का आंखों में आंसू आ गया, बोले पिताजी आज आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरे पति आपके दामाद हैं, आप कह रहे तू ये तेरा नशेड़ी भी आया है, लेकिन राजा दक्ष सती की बातों को अनसुनी करके चले जाते हैं। अब सती को बड़ा बड़ा पछतावा हो रहा है, आज मैंने यहां आकर के बड़ी भूल की, वह पति से लड़कर के पिता ने ठुकरे में, कहां जाऊं। तो सती के सामने अपनी मैया नजर पड़ते मैया से कैसे रो रो के पुकार करने लगी, कह रही शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। मैया से कहने लगी माँ अरे मैया मोते मिल ले भोजा पसारे लाडू तेरी
के शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भक्तो सती के तन की भसम बनो मुझे शीघ्र जला अग्नि दाता। इधर अग्निदेव प्रकट हुए, इधर वीरभद्र को प्रकट किया, कलखन नगरी भेज दिया। भक्तों वीरभद्र ने जाकर के राजा दक्ष से युद्ध किया। उस युद्ध में राजा दक्ष का सर कट के हवंड कुंड में गिर गया और भस्म हो गया, देवता महाकार मच गया। आइए पंडित जी का स्वागत है। देवता महाकार मच गया, सभी देवता घबरा गए, बलि यज्ञ संपूर्ण होगा कैसे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सभी को लेकर के विष्णु के पास गए और सभी देवताओं ने भगवान भरत का ध्यान किया। बाबा उसी समय प्रकट हुए और कहा सभी ने कि हे देवा दे महादेव, कैसे भी करके इस यज्ञ को संपूर्ण कराओ, अगर आज यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में यानी कलयुग में कोई भी हवन यज्ञ नहीं कराएगा, क्योंकि यजमानी नहीं रहा था, यज्ञ संपूर्ण होगा कैसे। तो उसी समय एक बकरे का सर मंगा करके राजा दक्ष के घर से लगाया। राजा दक्ष के मुख से उसी में लो बम बम और इधर भगवान चले सती के अधजले शरीर को कांधे पर डाल लिया, बैराग धारण कर लिया, वन वन में घूम रहे हैं। और इधर रानी वीणी कहने लगी कि मैंने तुमसे पहले ही मैंने करी कि तीन लोक त्रिलोकी नाथों से बैर मत ठानो, आज तुम्हारे रूप नहीं होता न तो तुम इंसानो न ही जानवर। तो किस प्रकार कहने लगी जी हरिओम। रानी वीणी कहने लगी कि तुम शिव से लड़े लड़ाई, के भोले से लड़े लड़ाई, ये अच्छा ना किया है मेरे साजन और मेरे सजना और मेरे आदमी। भाभी आज के टाइम में कोई कह देगी पत्नी अपनी पति दे रहे आदमी, भाभी तो मुझे भाभी कोई कह देगी कितनी कमरिया होए अंगूठा टेक वो न कहेगी। अभी मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ पंडित जी। अच्छा, मेरी मैडम बोली हमारी छोटी वाली बहू से चलिए हट तू हट जा, जा खाली कर बतावर, मेरे आदमी जानते मेरे आदमी प्रोग्राम में जाओ लेट जाओ। अच्छा तो तेरी बहू कहते कही है वहां में कहते कोई ना कहेगी बेटा आज के टाइम में, लेकिन देखो बात या लालो की सही है, बात यह भी सही है क्योंकि ब्रज की भाषा है और ये हमारा अलीगढ़ ब्रज क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ कोई ना कह रहा तेई बहू के तो तू सब के तो सबकी आदमी की अभी पता लगेगी आगे। क्या तुम शिव से लड़े लड़ाई बोले से लड़े लड़ाई, ये अच्छा ना किया है मेरे साजन वो मेरे सजना वो मेरे मन मेरे बलवा तुमको भोले आज वकीला बना दिया है मेरे साजने।
शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। और भक्तों, इधर भगवान शंकर वनवन में घूम रहे हैं। इस बीच एक तारक नाम का राक्षस पैदा हुआ, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु हो तो शंकर के पुत्र के हाथों अन्यथा ना हो। बोली ऐसे ही घूमते रहेंगे, ना ये शादी करेंगे, ना इनके पुत्र होगा, ना राक्षस मारा जाएगा। कौन सा तू तो ना कह रहे हो, इधर गायब कर रहे हो हाथ। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सभी को लेकर गए विष्णु जी के पास गए, और विष्णु जी समय में चक्र सतीका के नौ खंड बामन सर 108 नाम। भक्तो आज हमारा अपन नौ खंडों की नौ देवी देवियों के नाम से पूजा क्या करते हैं, जो कि कल से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। कह रहे शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सच्चे दरबार की जय। इधर ये तिथि बात सती जन्म की आगे की लीला कमल करके चलते हैं। परी शिव ने हरि बसाई काशी, हरि बसाई काशी, काशी बसाई शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 भई अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 शिव लहरी, अकड़ बम 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 भई अकड़ बम बम शिव लहरी। हरि हरि भजले हीरा परख ले, हरि हरि भजले हीरा परख ले, मैं समझ पकड़ कज मजबूती, समझ पकड़ कज मजबूती, तुई भाई मेरी चट्टा पंड है, तुई भाई मेरी चट्टा पंड है, तुई ध्यान धरनी देवी, तुई ध्यान धरनी
भक्तो एक बार की बात ना भी कहने लगो बाबा के बाबा इकले इकले डोलो बन में एक चेला और उत्पन्न करो। बोलो बाबा तुम्हें कोई बात है जाए तो तुम्हारी सेवा मैं कर दूं और अगर मुझे कोई बात है तो मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है। बाबा ने क्या जो वाई मेल को पुत्र भक्तो हम तुम तो इंसान है देवताओं से गलती हुई है बना रहे लल्ला और बन गई लल्ली पुत्र बनावत बन गई पुत्री केस पकड़ है गई ठाड़ी और कह लगी कि बरूं हरिहर तुम और वरण की अरे क्यों जन्म बहका दे भोला अब तेरे बहकावे में नहीं आऊंगा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि देख मैंने तुझकी सियंग से पैदा के मैं तेरे साथ भोग नहीं कर सकता तो और जन्म लेना होगा इस समय तो ऐसा नहीं होगा आगे कलयुग अमर कलयुग में क्या होगा क्या होगा। बहन बहाने जी कोई ने पूछे ये सत्य बात है नुमाइश चालू भाई ढोलक वारो लला एक उतना काउ कार्यक्रम में ना तो कि सारी सरे जाएगी रोज नुमाइश में और नुमाइश गई सारी सरे गई आवन लगो बहन भानजी कोई ने पूछे और सारी नोत जवाबेंगे जिंदे बाप की बात ना पूछे बड़े बड़े घर में कहीं बेटे के लाश में नाय सुरंग मर जाके तो गंगा जी जरूर ले जाते आज लास्ट दिन वो समय चलेगा जब आवेगा क्वार्क महीना कौए ने बाप बनाएंगे वो शक्ति जिस सलाह पैदा की उसी पे उसको वही शक्ति राजे हिमाचल के यहाँ मैंने रानी के रसोई जन्म लेती है कन्या जन बड़ी भारी कुछ आनंद ही आनंद है जैसे कि आज यहाँ आनंद है तो कैसे कैसे आनंद है बेटा मानो कैसे कैसे आनंद नंदा भैरी घर आज नाते रिश्ता रूप लाते हैं कोई लाय पुरता तो कोई लाय टोपी कोई लाय पुरता तो कोई लाय टोपी कोई लाय कदका तो कोई लाय पोती कोई लाय कदका तो कोई लाय पोती शंकर भगवान की अब मुझे बताओ काऊ घर में काऊ बालक को जन्म होवे तो माँ खुशी कौन को ज्यादा होते कौन को होते खुशी बुआ को हाँ बच्चे का कहेंगे दादी को होते बाबा बाबा दादी को ना होते खुशी बुआ को होते अरे बुआ लाई अरे बुआ लाई सूरज चंदा
जय हर हर महादेव। तो देखिए सुरभि और रानी मैनर की धर्मपत्नी और देखिए कन्या का जन्म तो सके के लिए चलो बहन बधाई मांगला में। तो यहाँ देखिए बारी बारी सभी को बधाई देनी है। क्या शंकर भगवान की हर हर महादेव। देखिए इसके बाद बड़ी सुंदर सी झांकी का दर्शन करेंगे। बधाई के बाद भगवान कन्हैया और राधा जी के सुंदर स्वरूप में दर्शन करेंगे। क्या दो शंकर भगवान की जय हर हर महादेव। और सखी आई कहने लगी अरे लाड़ो की सोने के में आई, अरे पिटिया के सोने के में आई, सो में नारानी दे दू बधाई। लाड़ो की सोने के में आई, सो में नारानी दे दू बधाई। अरे लाड़ो की सोने के में आई, सो में नारानी दे दू बधाई। लाड़ो एक बाबा दो बाबा तीसरे बाबा और सबसे बड़ी अम्मा वो बैठी। बाबा तो मैं हूं, हाँ तुम पे तो यानी तुम वो दे रही हो, हाँ वो दे रही हूँ मैं कमाने कर रहा हूं। हाँ मैंने कह तो दे बाबा तो मैं हूं, हाँ मैंने कही तो अजय बात बधाई तुम जो मांगेंगे वो पे दे। दादी देव जल्दी जल्दी बधाई देव, बहुत देर अभी बहुत दूर जाना, बहुत समय लगे वो। हाँ देखो ए ने फसन ने जल्दी जल्दी फारो और दाम निकारो। हाँ बस अरे मिलकर के खुशियां मनाई। अच्छा अच्छा ताऊ गलती है, चाचा तो एक खड़ो पीछे ये कितने को बैठो है, एक और आया वो खड़ो है। अरे अगली बधाई जाके ताऊ की आई, अगली बधाई जाके ताऊ की आई, ताऊ की आई देखो ताई की आई, ताऊ की आई देखो ताई की आई। जल्दी जल्दी बधाई दे भाई, बहुत काम है। अरे मिलकर के खुशियां मनाई, तो मेरा नोट बंद करते मोदी ने अभी एक दिन पहले।
बड़ी बुआ तो रह गई। हाँ अरे मिल करके खुशियां मनाई बाबाओं में बधाई दे रहा हूं तुम्हें। जी बोलिए चौकीदार दी कहा के तुम बैठ जाओ पंडित ज्ञानी, तुम बैठ जाओ ब्रह्मा ज्ञानी। कहने लगे राजा हिमाचल के पंडित जी, मेरे यहां कन्या ने जन्म लिया, आप ही देख रहे हो तो कैसी घटी छत्र में जन्म लिया है। पंडित जी ने देख रहे राजन सुनो, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त प्यारे कन्या जन्मी, लेकिन राज पाटिया के नाय कर्मन में योग लिखे कन्या कर्मन में। कहने लगे कि महाराज जब ये कन्या बड़ी हो जाए, इस कन्या का विवाह करोगे तो इस कन्या को कि राजा महाराजा बिहाने नहीं आएगा, इसको तो कोई योगी ब्याह करके ले जाएगा, अटल सुहाग यहाँ का होगा और ये कन्या कोई साधारण कन्या के घर घर में या पूजा होगी। नाम बता दिया कि गौरा नाम है इसका, लेकिन प्यार से इसको गोबरिया कहने लगी। इधर गौर अपने उम्र बढ़ती कैसे कैसे 12 वर्ष की होती, कह रही शंकर भगवान की हर हर महादेव। अरे अगर बम 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 लहरी बोले।
के गवरा 12 वर्ष की हो गई। सखियों के संग बाग में खेलने जाती है। सखियां अपना अलग खेल खेलती ने गोरा बाल उरियत के बना महादेव पान चढ़ावे फूल चढ़ावे बेल पत्र राग चढ़ावे और जे भोले जी भांग चढ़ावे भर भर लोटा दूध चढ़ावे और जे पत्थर से बरदान माते के परूं हरिहर तुम और भरन की ना भूला। ऐसी गलती ना करूंगी जैसी पहले करी आई। कौन सी बात को याद करके कहती है जिस समय दत्तक्ष की पुत्री थी सती उस गलती को याद कर ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी जो कि तुमसे बिछड़ना पड़ेगा। सखियों ने चुगली खाई। मैंने रानी से कहा मैया तेरी बेटी हमारे साथ नहीं खेलती ये पत्थर पूजा करती है और पत्थर ना आए पसीजन को। रानी मैना ने सारी बात सुनी। राजा हिमाचल से कहा कि देखो बेटी सियानी होगी भाई होगी इस बेटी का विवाह कर दो। राजा हिमाचल ने मना किया तो रानी मैना समझे कि महाराज कुआरी कन्या घर में तो कौन कौन से कार्य नहीं कराने चाहिए। कौन कौन से? यदि शंकर भगवान की हर 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 अरे अगर बम 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 रानी मैना ने बताया महाराज कुआरी कन्या तपे रसोई तो जेवी को फल नहीं राजा कुआरी कन्या जल भर लावे तो पीवे को फल ना राजा कुआरी कन्या अंगना लीपे तो पग धरवे को ना राजा और कुआरी कन्या करे बिछना तो बैठन को फल नहीं राजा। इसलिए महाराज अच्छा से घर भर देकर इस कन्या का विवाह कर दो और अपना ने बढ़िया समृद्धि देख लेंगे और मुलायम तगड़ी समृद्धि देख लेंगे। वक्त तो राजा हिमाचल की बात समझ में कि बेटी है एक ना एक दिन तो बेटी का विवाह करना है। नाई ब्राह्मण को बुलवाया सात सुपारी सात नारियल सात हरद की गांठ नहीं और चांदी को सिक्का देने के लिए जाओ मेरी बेटी लाख बरतराज का रिश्ता पक्का करिया। राम लक्ष्मण तो भैया बैठे थे हाथ जोड़कर पालागन की पूछ लगे पंडित जी कहां ते आए कहां को जा रहे हो। पंडित जी कहने लगे राजा हिमाचल की बेटी है गौरा हम उस बेटी का रिश्ता लेकर के उस रिश्ते को तुम स्वीकार कर लो। तो रामचंद्र कहने लगे पंडित सुनो शंकर जी या गुरु हमारे शंकर जी या गुरु हमारे गौर धर्म की मात लगे जे सगाई जे रिश्ता हमारे यहां नहीं है तुम दूसरी जगह जाओ। पैर पटक के कहने लागो तू हो तो कवरिया मरन गई
तो कुछ शाहू शीतला ले लगे चौड़ाई की चावल छोड़ गए। अरे जवान गयो बूढ़ो बने आयो पर तेरे को छोरा नहीं पायो। बर मिल जाए तो घर ना मिले और घर मिल जाए तो वर नहीं मिले और अगर दोनों चीज मिल जाए तो बरक बंद नहीं मिले। लौट करके भक्त राजा हिमाचल की नगरी में आ गए। राजा हिमाचल ने सारी बात सुनी कुछ समय लौट के जाओ और तुम्हें जैसा मिल जाए रास्ते में वैसे कुछ रिश्ता करें। नाई ब्राह्मण दोनों चल दिए नगर से बाहर आए गौरा मिल गई। गौरा ने पंडित जी को रोक लिया हाथ जोड़कर पालागन के लिए पूछी पंडित जी कहाँ थे कहाँ को जा रहे हो। पंडित जी पहले तो सामने बोले यही छोरी के चक्कर में जी हाल भयो न जे होती निया को छोरा देखे जाता ना मेरा जी हाल हो तो बोले यही बात मत पूछे तेरे लिए बर तलाश कर गए हमें तो घूमना है मिलो। गौरा बोली इतनी सी बात अरे मुझसे मिलकर के जाते अपना बर तो अपने आप बता देती लेकिन पहले जी बता दे तुम कहाँ कहाँ घूमे आई। तो पंडित जी बतावन लगे हम कहाँ कहाँ गए कौन कौन से शहर में गए कह रहे शंकर भगवान की जय हर हर महादेव। अरे बरना पायो है आज कहूं आज बरना पायो है जे पंडित मन में करत विचार आज कहूं बरना पायो है पंडित मन में करत विचार आज कहूं बरना पायो है। अरे बरना पायो है आज कहूं बरना पायो है बरना पायो है आज कहूं बरना पायो है जे पंडित मन में करत विचार आज कहूं बरना पायो है पंडित मन में करत विचार आज कहूं बरना पायो है। अरे बंबई ढूंढ बड़ौदा ढूंढी गुना में आयो है मथुरा ढूंढ वृंदावन ढूंढ गोकुल में आयो है मथुरा ढूंढ वृंदावन ढूंढ गोकुल में आयो है। अरे ढूंढत ढूंढत हार गयो गे मरि बतायो गे जे पंडित मनु में करत विचार आज कहूं पर न पायो है दिल्ली ढूंढ आगरो ढूंढो अलीगढ़ में आयो है दिल्ली ढूंढ आगरो ढूंढ अलीगढ़ में आयो है। अरे दिल्ली ढूंढ आगरो ढूंढो अलीगढ़ में आयो है दिल्ली ढूंढ आगरो ढूंढ अलीगढ़ में आयो है। अरे ढूंढत ढूंढत हार गयो गे मरि बतायो गे जे पंडित मन में करत विचार आज कहूं पर न पायो है पंडित मन में करत विचार आज कहूं पर न पायो है। अरे पर न पायो है
कह दो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। इस काम के लिए भी मैंने बुलाया है, मैं इस कार्य को नहीं करा सकता, लेकिन हैं जो कुछ देर बाद सगाई होगी, सगाई के बाद अपने श्रद्धा के समय लेकर कहेंगे हमारे बीच हमारे अलीगढ़ के आनमान शान भाई जयप्रकाश पांडे जी, जयप्रकाश पांडे जी, लेकिन उससे पहले सगाई। और इधर इतने शहरों को नाम गौरान शरण बोली, पंडित जी तुम बिल्कुल बेकार घूमे, अपना भर में आप बता दू, मड़ी बता दू भोला की, और तो पहचान बता देते तो मेरे पति की मन में पहचान कौन सी है, पाए पदम माथे पर चंद्रमा कल में रेत भुजंगी है, और सबरे चिन्ह भूल जाते कि रहत ना दिया संगी है, वही उनके आगे वही उनके पीछे और वही उनकी अंग लकड़ियां हैं, अभी ना अभी तो दिल लगेगा, तुम सबरे चिन्ह भूल जाए नदिया याद रखे रहना, और बता देती हूं कि तुम्हें देख करके बड़े बड़े ढोंग करेगा, तुम्हें देख बालक बन जाएगा, तुम्हें देख बूढ़ा बन जाएगा, और तुम्हें देख कोड़ी बन जाए, लौट के बंदी सगाई वही करेगी, और के रास्ते में तुम्हारे सामने कोई बाधा आए तो गौरा ने नाई ब्राह्मण के कान में एक मंत्र फूंक दिया था, किस मंत्र का जाप करने से सारी बाधा दूर हो जाएंगी, तो नाई ब्राह्मण दोनों चल देते हैं, सुमेर पर्वत लांगो बियावन जंगल आए, श्यापन के रल्ले पे सिरन के झंडा पाई, थाड़ो ईसु गए ब्रह्मा थाड़ो क्या ब्रह्मा बोल कैसे जाऊं, लेकिन ध्यान आई बात चले थे तो गौरा ने एक मंत्र दिया था, कौन सा मंत्र दिया था, मेरे साथ साथ सभी माता बहनों को सभी भाई बहनों सभी को बोलना, अपने उखारवे से तालियां बजाते हुए सभी को बोलना है, अरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, जाप किया, सर्पों ने गैल छोड़ दी नहीं, शेरों ने राह बता दी नहीं, बोले भैया यहां से आगे कैलाश पर्वत उसी पर ही रहते हैं, नाई ब्राह्मण दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शंकर नादिया ने दूर से देख ली, तो बाबा कहने लगे नादिया देख बेटा नादिया देख मंजुलोक से आप ब्राह्मण जे बिना सताई ना जाएगो, और मैं 12 साल के ताड़ी लगा जा रहे हूं, जो कैसे करके यहां तेरा बानो कर दियो, भक्तो भगवान शंकर 12 साल के ताड़ी लगा गए, और नादिया ने दूर खेतन में चरवे चलो, नाई ब्राह्मण दोनों पहुंचे देखने लगे कि पता ठिकाना सब यही है, लेकिन जी बाबा सवेरो है, भगवान शंकर के सर को पकड़ गए बाबा नहीं जागे, दोबारा फिर कोशिश की तो ना जगे, नजर दौड़ाई नादिया चढ़ तो नजर आया, तो नादिया को बुलावा लगे, अरे नादिया नादिया किला हो तो भैया कहा बात है, बोले भैया हम तेरे जे बाबा की सगाई लेके आए, सुनते हम नाम सगाई को सुनते हम ना सुनते ही नाम सगाई को, नादिया उछले उछले उठे कूदे कूदे उड़ूले, लेकिन नए के दिन में मीठा मोनू सुस्त है वो, पंडित जी बोले चो भैया अभी तो बड़ी खुशी मना रहे हो, सुस्त काई को है वो, नादिया बोलो तुमने नेक देर कर दिया, अभी नेक पहले और आ जाते हमने सामने बात है तो भजन पे बैठ गई, पंडित जी बोले चलो कोई बात ना है, अरे भजन जाको घंटा को दो घंटा को चार घंटा को, नादिया बोले जो घंटा का बीमारी है, पंडित जी बोले घंटा अरे 30 को आधा 60 होएगा जाइए तो घंटा, नादिया बोले मैं पर्वत को घंटा ना चल, फिर बाबा 12 साल से पहले ना जगे को, इतनी बात सुनी पंडित जी बोले कोई बात ना है, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं, तेरे बाबा सोए 12 साल को तो मैं सो जाऊंगो 13 साल को, सगाई यही करके जाऊंगो यही करके जाऊंगो यही करके जाऊंगो लौट के ना जाऊंगो, तो वक्तु भगवान शंकर के सामने पड़ी मेरा आसन लगा दिया, और 12 साल में पंडित जी को कहाल भाई बेटो मानू कहाल भाई कह दो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव।
अरे अगर बम 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 लहरी पंडित की काया सिकुड़ गई पंडित की काया सिकुड़ गई चार महीना जेठ मास के चार महीना जेठ मास के पंडित की काया सूख गई पंडित की काया सूख गई चार महीना चौमासे के चार महीना चौमासे के पंडित पे घास बजियाई पंडित पे घास बजियाई दीमक चाकू चाट गई दीमक चाकू चाट गई हड्डी पकड़ियाँ अलग बिखर गई हड्डी पकड़ियाँ अलग बिखर गई बारह बरस जब बीत गई है बारह बरस जब बीत गई है खुली समाधि जब शंकर की खुली समाधि जब शंकर की नदिया से के नीला गे नदिया से के नीला गे ये कूड़ो किन्ने कियो ये कूड़ो किन्ने कियो देने कियो के मैंने कियो देने कियो के मैंने कियो शंकर भगवान की हर हर महादेव चार महीना मुआसे के पंडित की काया सिकुड़ गई चार महीना जेठ मास के पंडित की काया सूख गई और चार महीना आए चौमासे पंडित जी के ऊपर घास बज गई दीमक जाकू चाट गई हड्डी पकड़ियां अलग बिखर गई और बारह बरस ऐसे ही बीत गई और बारह साल के बाद भगवान शंकर की टाड़ी खुली और पंडित जी की ढेरी पर नजर गई बस ढेरी को देख के बोले बेटा ना दिया देखिये तेने साफ सफाई नगरी के तुम कूड़े इकट्ठा हो पंडित जी कहा गए पांडे जी कल ते लइयो मती जा बुला के जे ते ऐसे कर बाबा बताओ तुम ते कहो ते मैंने कहा कई तेने कहा सुनी मैंने वो ही सुनी जो तुमने कही कूड़ो इकट्ठा सुनी बारह साल के बाद भगवान शंकर की ताड़ी खुली अच्छा और पंडित जी की ढेरी पे नजर गई वह ढेरी को तो क्या कह रहे हैं साफ सफाई करे कितना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है देख लो तुम्हारी तरफ कर रहे हैं ना तुम तो कहते ना कह रहे हो कूड़ा ही इकट्ठा है ना दिया बोलो तो कूड़ा दिख रहा है अरे मन जुलक से ब्राह्मण आयो और बाबा भाव ने तेरी इतनी सेवा करी सेवा करते करते प्राण तय याद हो जीवित करते ब्रह्मत्या लग जाएगी जब ब्रह्मत्या की बात सुनी भगवान शंकर ने पंडित जी की हड्डी पकड़ी बीन के इकट्ठा किया तोमी में से अमृत लीला छिड़क दिया पंडित जी राम राम कह के उठ बैठे पंडित जी जब तक समझ बाबा ने क्या जो की ना 80 बरस के डोकर बन गए जाकी डगम डगम ना रहे आज मरे जन कल परसों तौल वस्त मर जाएगो भगवान शंकर ऐसे रूप में बन गई लेकिन गौरा ने सारी बात पहले ही बता दी थी पूछने लगे कि भैया आप बताओ तुमने काय की सेवा करी पंडित जी कहने लगे देखो जी राजा हिमांचल की बेटी है गौरा हम उस बेटी का रिश्ता लेकर उस रिश्ते को तुम स्वीकार कर लो जब रिश्ता की बात सुनी चार कदम पीछे का करे भैया रिश्ता जब रिश्ता विश्ता की बात हम मत करे जा रिश्ता का राजा महाराजा के करियो तो कुछ दान दक्षिण होते बहुत मिली तेरी मौत चीकनी जाएंगी भगवान शंकर बार बार मना कर रहे हैं नादिया को बड़ी बड़ी गुस्सा आ रही नादिया ने क्या जो की ना पायो सी बगल में आया तो उठा लो बम्बोला और बोलो बाबा जी आई लच्छी में काय को लौटा रहे अरे आई लच्छी मत ना फेरा के कुआरे रह जा बाबा जी आई लच्छी मत लौटावे अरे अपनी ना कर तो मेरी कर ले पंडित जी गज्जान हो ना है मैं ना कह रहा को कह रहा नादिया कह रहा है अच्छा 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 आयो है के आई लच्छी मत लौटावे अरे अपनी ना कर तो मेरी कर ले लेकिन भक्त भगवान शंकर मुस्का गई बोले बेटा या कन्या से बचन बने बचन ने भाई को जानो नादी बोला वो तो बाबा आएगा तहन पे बूढ़े नादी ने गोबर कर दो आसन मंडी लिपा दी नहीं और भगवान व्रत की सगाई चढ़ती है जब बाबा की सगाई की सुनी तो चेटी चेटा पर ततैया भूत प्रेत खैसनी जुड़ेली आकनी डाकनी साकनी सब खुशी मना रहे हैं कह दो शंकर भगवान की जय हर हर महादेव सुरभि भैया भैया अरे आ जाओ हो
भोला करे है सगाई, चलो रे भैया देख रे, ओ भोला करे है सगाई, चलो रे भैया देख रे, ओ बाबा करे है सगाई, चलो रे भैया देख रे, ओ बाबा करे है सगाई, चलो रे भैया देख रे। देखो कैसी बेटी बेटी देख रही है, जैसे पिक्चर चल रही है सामने, ताली बजा ताली। बाबा करे है सगाई, चलो रे भैया देख रे, ओ बाबा करे है सगाई, चलो रे भैया देख रे, ओ भैया देख रे, ओ भैया देख रे, आ भैया देख रे, आ भैया देख रे, बाबा करे है सगाई, चलो रे भैया देख रे, ओ भोला करे है सगाई, चलो रे भैया देख रे। और चेटी चेटा पर्वत भैया झुंड बना के आए, 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 कातर बिच्छू अजगर देखो, कातर बिच्छू अजगर देखो, कातर बिच्छू अजगर देखो, मन में खुशी मनाए सबने, सबने सबने झपड़िया सजाई, चलो रे भैया देख रे, भट कर रही है खोपड़ी, डायनिया मुस्कान ढपली ढपली ढपली, कान से बजाई, चलो रे भैया देख रे, ओए होए भोला करे है सगाई, चलो रे भैया देख रे, हाय हाय बाबा करे है सगाई, चलो रे भैया देख रे। अब जय शंकर भगवान जय खिचड़ी। इस सगाई पावन मौके पर आज हमारे बीच बड़ी सुंदर सी हाजी के साथ की जो भगवान की हर हर। लेकिन राजे हिमाचल के रानी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इतनी करी लगन लिखाऊंगा, ऐसे ऐसे बराती लोगों ने जो कि पतंगरी डे भी है, बेटी भी है, वे आमंगी प्यास लगी। तो भक्तो राजे हिमाचल अहंकार में लगन पत्र का क्या क्या लिखवाते हैं, कह दो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। अरे अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 भई अगड़ बम 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 लहरी, श्री गणेश नायल की, श्री गणेश नायल की, रामा कृष्ण नायल की, रामा कृष्ण नायल की, ब्रह्माया में विष्णु आमे, ब्रह्मा आमे विष्णु आमे, तेतीस कोट देवताया में, तेतीस कोट देवता आमे, काम काम की चामड़िया में, काम काम की चामड़ा आमे, संग में पतवारी आमे, सिंह चढ़ी माँ दुर्गे आमे, सिंह चढ़ी माँ दुर्गे आमे,
भक्तों, राजा हिमाचल अहंकार में बहुत बड़ी गलती की। हम और आपको चिट्ठी पत्री लिखवा दे, सबसे पहले इष्ट का नाम लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। कुछ नहीं लिखवाया, ब्रह्मा में विष्णु में तेतीस को देवता में गांव गांव की चामड़ा में शंख पथवारिया में लांगुरा में भैरव में सिंह चढ़ी माधुर के राम लखन जोड़िया हनुमान सिपाया का में घोड़ा पे वे शाम बुलावा चलनी में गंगा जल ना में। अच्छा चलनी पे गंगा जल आ जाए वो तू लिया वे वो संजय भैया कैसे लावे वो नीचे पॉलीथिन लगा लो बात है दिमाग पॉलीथिन लगा के तो गंगा जल तो पॉलीथिन में आवे वो ऊपर से वो आ जाएगी चलनी आ जाएगी ना अरे चलनी हाँ लेकिन पॉलीथिन ना लगानी बेटा फिर चलनी में ही लानो है बिल्डिंग करवा के बंद कर देंगे और का तुम्हें शिक्षा बढ़िया दे रही है चलनी में पॉलीथिन लगा के बड़ी जल्दी कह देखो मैं ले आऊंगा तो भक्तो लगन पत्र तैयार कर नायक हाथों में देरी रास्ता बाकी देखी बारी पर्वत पे वो पहुंच गई भगवान तो नादिया ने देखी तो नादिया बोलो बाबा कल तो तेरी सगाई लेके आज मेरी लेके आयो है लेकिन भक्तो बाबा घटघट की जानते थे सो गए जब नाई लगन पत्र का लेके पहुंच गो जब लगन पत्र का की बात सुनी नादिया ने तो बोलो तो बाबा जगानो पर ब्याह नजदीक आएगो तो भगवान तो कौन कौन जगाता है कौन कौन जगाता है कह दो शंकर भगवान की जय हर हर महादेव अरे जगाए हारे अरे जगाए हारी भोली बाबा हो नंदारी न जागे जगाए हारी ओ भोले बाबा न जागे जगाए हारी जगाए हारी रे जगाए हारी जगाए हारी रे जगाए हारी डमरू वाले न जागे जगाए हारी ओ भोले बाबा न जागे जगाए हारी भोले बाबा लगाए गए शंकर भगवान की हर हर महादेव बाबा ना जागे नादिया ने क्या जो की ना बायो सी बगल में अड़ाए उधर उठा लो बम्भुला खुली समाधि जब बाबा की नदिया से कह रहे बेटा सामन ना सनुनो ना मस्त महीना फागुन ना है मुझे सुमंच ना धरन नादिया बोले तो सभी ने जाओ की सुन ले जब तो नाई ने लगन पत्र का भगवान भोलेनाथ के सामने रख दी बाबा ने देखी और बोले अरे भैया तुझे दो आंगुर के कागज पे तीनों लोग लिखा लायो बोले कोई बात ना है तेरे राजा ने ओ सुरभि कौन जा रहो दो मिनट का काम है तेरे के द्वांगुर के कागज पे तीनों लोग लिखा लाया बोले कोई बात ना है तेरे राजा ने जितना भी लिखवा कर हम सब लेकर हमारी तो दो तीन बातें मौजवानी के लिए कौन सी पृथ्वी जैसा करे बेचन अंबर से तंबूता ने रोस रोस कुआ खुदावे और बामा चार कोटरी भर के भोजन बनवावे और इधर बाबा की लगन चढ़ती है
सभी देवी इकट्ठी थी गंगा यमुना माता सरस्वती और तुम्हें सभी मेरे संग संग लोगों को गीत गाना है। लोगों को गीत तो सब प्यावत हो गया सज गए सबरे दे ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए सबरे दे ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए सबरे दे ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए सबरे दे लटधारी तो ऐसे सज गए लटधारी तो ऐसे सज गए सो बाका ही न जाए लगो नया हरे हरे लगो नया परवत पे भोले बाबा भूले न समाए लगो नियाई हरे हरे लगो चिंताई बाबा की बिहार हुई वो नादिया गई बाबा कोई चिंता बाबा ने तो भांग कर बाबा सोई गई नादिया घूमता हुआ देख के आयो राजा हिमाचल के जोर शोर की तैयारी चल रही है लंबे चौड़े टेंट तंबू लगे हैं हलवाई भट्टी में झुक रहे हैं मैंने कहा कह रहे हो कहा कही मैंने हलवाई भट्टी में झुक रहे हैं अरे भट्टी झोंक रहे हैं अरे तो ऐसे कहो ना लेकिन जाए कोई चिंता न जाके बिहार के रहेंगे तीन न जाने कहो नौ तो भेजो न जाने बैंड बाजे करे कार करी पंडित जी कौन सी कार होता है निरी चलिए जीटी रोड पे वो मारुति कार होते हैं ऐसे ही तो कही बेटा मेरी जीप बांस की है देख पीड़ा खा जाता है अच्छा अच्छा तो नादिया कहा कह रहे कहा कह रहे अरे सोए गए कब अरे जागोगे त्यारे परे सो जावेगी बारात अरे भोला तेरी परे सो जावेगी शंकर भगवान की जय हर हर महादेव गायो और बोलो बाबा तू कैसे ब्याह करेगा तेरे ब्याह के तीन नाने तरह का वो नौतो ना भेजो भक्तो
भगवान शंकर ने ना दिया के कान पीले चावल रख दे करी जब बेटा नौ तो दे बोलो ठीक है तेरे ब्याह है को तेरे ब्याह के तीन दिन रह गए और हम नौ तो देव तो सालन लग जाएंगी मुझे लेकिन पवन स्वरूपी करो ना दिया और एक मेन बात बताई कि देख आज तू जगह जगह मत जाइयो तो कुछ सबरे देवता ठाकुर द्वारे में के जगह नौ तो दे आज तू प्रेम नगर में घर घर मत जाइयो तो सौरी माता बहना है कृष्णपाल भैया के मन के जगह नौ तो दे तो ना दिया चल दो क्या जाके भूरे पर गए बार डोकरा क्या जाके भूरे तारे बार डोकरा मुझे आयो नाए शंकर भगवान की हर हर देवता उन्हें ना दिया पहले समय तो बढ़ा देते तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र सिलवा लेते सुंदर सुंदर गहने गढ़वा लेते एन वक्त में ना तो लगे कहते अपने बाबा थे के पर्वत पे तेरे को आवे खेत बराती सब हो गए जब से खेत चल लागे पट्टू ना दिया और बोलो बाबा थे बाबा पर्वत पे तेरे कोई ना आवे पर्वत पे तेरे कोई ना आवे खेत बराती सब होंगे तो बाबा बोले बेटे जे कबड़िया है अरे आओ तो वेलकम ना आओ तो वेलकम अरे ना होए बोल लो ना फूटेंगे जब कोई आवे कोई ना और भक्तो इधर वो शुभ दिन आ गया जिस दिन बाबा की बरात जानी थी वो शुभ दिन बुधवार था वो शुभ दिन बुधवार था तिथि थी तेरस और गौधूर की भ्रमण थी इनकी इधर बाबा अपने श्रृंगार करते हैं पर्वत पे 80 गज को श्याम निकालो बा को मोहर बना ली लो बिच्छू को कंगना पहनो अंग भगुति लगा ली मैं छने पहन लिया नादिया कोने बैठो और शुद्र हो भगवान शंकर बोले बेटा चिंता तेरू श्रृंगार करूंगा और जो बरना सजता है तो देखना हमारी माता बहन कौन कौन से बरना गावते बताऊंगा लेकिन महादेव या क्या करें पर्वत पे कह रहे शंकर भगवान की जय के सब देव रहे हर काय के भोले बाबा बरना बने सब देव रहे हर काय के भोले बाबा बरना बने ताली बजाने ताली सब देव रहे हर काय के भोले बाबा बरना बने सब देव रहे हर काय के भोले बाबा बरना बने देव रहे हर काय के भोले बाबा बरना बने
कहते शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। आजकल कैसे कैसे वर्णा का होते हैं, चाहे तो वर्णा सवेरे को सजे, चाहे दोपहर को सजे, चाहे शाम को सजे, और अगर नजदीक में जारी गेस्ट हाउस में चाहे अंधेरे में सजे, लेकिन वर्णा से होते पहले माता बहन कौन सा दावत है, कौन सा अभी कौन सा दावत है बताइए, भूल गए मैं। दोपहर जज के डर से ही बताया, कोई से टाइम से जो बना लगे वर्णा सोते पहले यही काम नहीं। और देखिए और वर्णा सुनाओ तो मैं कैसे कैसे वर्णा है, कहते शंकर भगवान की जय, हर हर अरे तो पेरी लचके दार भोला मेरा पिने सजाए हरी, तो पेरी लचके दार भोला मेरा पिने सजाए हरी, तो पेरी लचके दार भोला मेरा पिने सजाए हरी, तो पेरी लचके दार भोला मेरा पिने सजाए हरी, ब्रह्मा सजाए हरी विष्णु सजाए हरी, ब्रह्मा सजाए हरी विष्णु सजाए हरी, ब्रह्मा सजाए ऐसे ही छोटी छोटी बेटी आ गई, जब एक वर्णा हो गांगे तो जब कौन सा वर्णा गा रही है, वर्णा काली कमीज से लबाना सोने के बटन लगवाना, वर्णा काली कमीज से शंकर भगवान की जय महादेव। और भक्तों सदगे कुआ पूजन हुआ, और कुआ पूजन के बाद जैसे चले पीछे दे देवी गाने लगी, अरे चल दे देव पटारियो रे भोला भाई,
गलती बिल्कुल मत आइयो मेरे संग। अब क्या है वो? मैंने तो कहीं ब्रह्मा के लिए कोई बेर उठा के पीपी छत के लार अम्मा के लिए कोई बेर चुरा के नहीं तुम नहीं कही होगी तो मैंने कही मैंने कही ब्रह्मा के लिए कोई बेर उठा के तू क्या कह रहा अम्मा के लिए वो बेर चुरा के बेर बिक रही है तुमने कही आगे पीछे तो मैंने कह दी हाँ सही है कर वो मत करे बेटा ठीक है। अरे ब्रह्मा के लिए शंकर भगवान की आवाज आ रही है दिखाओ की आवाज नहीं आ रही बोलो जे बोलो जे बोलो जे एक बड़ी 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 अम्मा वाली कड़ी गई बारे में गई तेरी इतने का जो करो ना धर रो तेरे तो बोलो जे अम्मा में कथा छोड़ मैंने घर चली गई प्रभु ने कोप किया अम्मा के पेट में दर्द कर दिया अम्मा के पेट में दर्द वो अम्मा लोटा लेके खेत को चल नहीं लौट के आई लोटा ना बजना दर्द फिर शुरू अम्मा फिर चल नहीं सबरी रात है गई अम्मा ऐसी घर पे खेत और खेत देखा सवेरे के बज गए पांच और पंडित जी कहा कह रहे वहां अरे संपूर्ण है गयो पारा अरे संपूर्ण है पंडित जी बोले संपूर्ण है पारायण तो भजो प्रेम से नारायण अम्मा बोली चलो कथा हुए गई सबरी रात के पश्चात कद नहीं आऊ अम्मा आई लोटा रखे ने के दूर बाहर और बोली पंडित जी मोह प्रसाद दे अम्मा ने भक्तो प्रसाद लाओ इतने से अम्मा के लोटा लेके चलो सवेरे को बखतो अम्मा ने करके कही अम्मा लोटा नहीं तो अम्मा कहा करेंगे तेरो गयो भार मेरे नारायण नाम के चोर महोदय बैठे नाम था उनका नारायण पेशा था चोरी करना बोले मैंने बालकम के मने तो कर दिया कथा में तो कोई कछु मत नहीं और अम्मा के लोटा कोई और ले गए अम्मा मेरे नाम ले रही है गए और बोले मच पहला कैसे तेरा लोटा सबरो पीछे कर रहे हो अम्मा बोली छोरा कल लेके आए बाजार से नया बोले चिंता मत करे घर गए एक नया लोटा निकाल के देख रहे ले आए जब उनके कौन से खरीदे भाई अम्मा के हाथ में ला के दे दो अम्मा बोली बारे प्रभु तेरी शक्ति पुराने को नए हो और नया लोटा अम्मा जब मिले तो अम्मा क्या करेंगे अरे मैं तो रोज कराऊंगी जय हर हर महादेव सोने को लूटा मिलो अम्मा को सत्य घटना है अरे तुम्हें पीतल को कम से कम मिली जाएगा जयकारी बोलो मैं कह रहा हूँ वो गाय के पैसा मिलेंगे जो बाजार ही नहीं मिलेंगे लेकिन तुम कुछ भक्ति कमाओ करो शंकर भगवान की जय और भक्त इधर भगवान चक्र नंदी पर सवार होकर के दो चार भूत प्रेतों को लेकर के राजा हिमाचल की नगरी पहुंच गए गौरा की सखी ने जो सुना के बारात आई गई आज भी कोई रीति रिवाज चले कहो बहन बेटी की बरात आवे तो बाकी संघ की सहेली तीन बात देखने जरूर जाती है गौरा की संघ की सहेली कैसी कैसी मालूम है ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी छोरी जी बेटी का चश्मा लगा दी आगे पीछे जी बेटी का कुर्सी में चश्मा लगा दी ये छोरी ना अम्मा है मैंने कहा कही आ गई मैंने कही बड़ी बड़ी छोरी अच्छा मैं प्रमाण दूंगा मैं बालक हूँ तू बूढ़ो है चला तो भाई ये प्रमाण दूंगा इसी कथा में ही बताऊंगा तुझे अच्छा हाँ देख वो बेटे चश्मा लगा के बालक हैं पीछे बालक हैं
अच्छा जी बुढ़े हो तुम अच्छा ये बालक है ये जो बूढ़ो है अच्छा दाढ़ी वाली गाली हाँ कहते शंकर भगवान की मैंने जे कही बड़ी बुढ़ी छोरी अच्छा आधी तो बड़ी बुढ़ी कहा जी छोरी नहीं तो ऐसे कहो ना हाँ तो ऐसी तो कही मैंने आई और तेरे बच्चे बैठो नादिया तो नादिया बोली चौरे भैया जो बरात को दूल्हा कौन सो है नादिया ने मोह फेल तो एक सखी बोली चौरे बताए ना रहो तेरे मोह पल्लव कल्लो नादी बोले तुम्हारे काम में जे रिवाज है अरे बरात में आए हैं दूल्हा के भैया हम तो करे भैया एक सखी बोली तो कहा गए जीजा जी नादी बोले हम तो जीजा जी के लाला जी के इतने केवल नादी जो मेरे को सखी ने सलाह करी और कहाल करो नादिया को बेटा मोनू कहाल करो कहते शंकर भगवान की हर हर महादेव अरे अगर बाम 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 सखी ने मार मार कर नादिया को बुरहाल कर दो नादिया छूटो छाटो बाबा के पास और बोलो बाबा मेरे हार तो है गयो पर मुख जीवन तेरी बार रोटी कबूज ने कैसी बाबा बोले बेटे ऐसी कहावत है नादिया बोले बाबा सखी ने मारो मैं कि बाबा नेक सजा तो सखी को मैं दूंगा चिंता मत करे बेटा ये ले जा मेरा कमंडल और सखियों ने जाकर के कहना कि जब फूक मारो जो जितनी तेज फूक मारेगी जब सुंदर सुंदर सोने चांदी के गहने निकलेंगे और देख सखीन को सजा मिल जाए तो बहुत की चुटकी भी जिसको माने सखी जो कहते हो जाएंगे नादिया कमंडल लेके आयो और सखीन तो बोले तुम मान लो पीट लो कोई बात ना है अब जब फूक मारो जो जितनी तेज फूक मारेगी जब सुंदर सुंदर सोने चांदी के गहने निकलेंगे ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी माता बहनों की ये गहने सबसे बड़ी कमजोरी है एक सखी ने जाती भूख मारी तो कैसे कैसे गहना निकले कैसे कैसे बताऊं हाँ बताओ अरे हरे तदैया पी ले तदैया हरे हरे महादेव सखिया जब आई कहीं तो सुख सुख के पेटोरा है नहीं नेक दिन में ढाई दिन कोठले जैसी है गई पंडित जी हाँ सुख सुख के बिटोरा होता है क्या होता है बेटा सुख सुख के छारा हो जाता है छारा होता है बेटा मैं तो काम कर रही बार हूँ तो मैंने काम में बिटोरा देखे हैं वहाँ कंडा सबरे सूखे होते हैं को गीलो ना हो मैं अलीगढ़ पर रही बार हूँ तो तू कभी काम काम में ना गयो मैंने सबरे छारे देखे चिंता मत करे 12 तारीख को मेरे संग जाएगा तू अच्छा तो रास्ता में रे को बिटोरा दिखाऊंगा मैं अच्छा आगे ले जाऊंगा तो बिटोरा दिखावा जाऊंगा नीचे माते और जब दिखाऊंगा तो कंडा सबरे सूखे को गीलो न मिलेगा वहां सही है हाँ लौटा है तो रंगो भाई हाँ छोड़ के तो रहे आपको कोई बात अच्छा क्या तो शंकर भगवान की जय हरे हरे महादेव भागी भागी घर को पहुंची घर के भैया ना पहचाने भौजैया मार को दौड़ी भूतरिया कहाँ थे आए गई है कहाँ है कोई जिंदे के रो कोई में अरे तो पल्लंग हाथ का ही घड़ दो तुम तो क्या उतना कह रहे हो तू तो कोमावर गड़बड़ करवा दे वो अरे गड़बड़ का अरे ऐसे ना कहीं सीन है हम तो वैसे पिट जाएंगे काम अच्छे करवा दे कोमावर गड़बड़ तुम तो क्या उतना कह रहे हो एक सखी मत बोलिए बहनाओ चलो कछु ना अड़ो पहित कह दो सखी आई नादिया बोलिए जीजा जी और लाला जी नारिया फूल को कबाल तुम दीजिए आज की बहुत की झूठ में सके जो कहते होगी लौट के महल में आई और गौरा के कहने के कहते बहन
तेरे संग तेरे मैया बाबुल ने नाई ब्राह्मण ने बहुत बड़ो करो तेरा दूल्हा कैसा तेरी बराता है कि कैसे हम बताएंगे बतावल लगे बतावल लगे कि देख बहन तेरी बरात आई के कैसे तेरे दूल्हा के तो बरातिया कैसे हैं वो देखो शिव की बरात आई और तेरा दूल्हा के घर जाई बहना वो मेरी बहना सखिया करे तब हाँसी बोलत में आवे खासी बूढ़ो मिलो है तो तू बाल बाबर बहना सखिया करे तब हाँसी बोलत में आवे खासी बूढ़ो मिलो है तो तू बाल सबरे बराते तो तन से में दूल्हा भाग करोगी सबरे बराते तो तन से में दूल्हा भाग करोगी बोली बहन बरातिया जितने आए हैं सबरे नशे वाली कोई चिलम पीरो है कोई कछु करवा लेगा तेरे दूल्हों को बनाए भीतर बैठे बैठे भांग के गोला कटा करवाए सबरे बराते तो तन से दूल्हा भाग करोगी सबरे बराती दूध नशे में दूल्हा भाग करोगी राजन को तो पवर लगे ना बहन जब हम को जोगी राजन को तो पवर लगे ना बहन जब हम को जोगी पर ऐसे तू भाई नहीं तू बहन बहन गुजर ना होगी ऐसे तू भाई नहीं तू बहन बहन गुजर ना होगी बहना मेरी बहना मर जाए कि तू तेरे फांसी बोलत पे आवे खासी पूरो मिलोगे तो तू बाबा आवे बहना सखिया करे सब हाथी बोलत पे आवे खासी पूरो मिलोगे तो तू आले आले देखो कैसे मेल मिलाए नाई और ब्राह्मण ने देखो कैसे मेल मिलाए नाई और ब्राह्मण ने देखो कैसे मेल मिलाए नाई और ब्राह्मण ने देखो कैसे मेल मिलाए अरे हमको मालूम पड़ रही है नागे रुपया भर लाए थोड़ा प्रतापन झांसी ढूंढे मिलो ना तो तू बाला मेरी बहना सखिया करे सखियाजी बोलत में आवे खासी पूरो मिलो है तो तू बाला ओके
चले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। लेकिन गौरा मैया मुस्कुरा गया ना, मालूम थी कि मेरे भोलेनाथ ये लीला दिखा रहे। आगे चली, राजा हिमाचल मिल गए। सखिया से बोले कि तुम कहाँ से आई हो? सखिया बोली बरात दिख गई। बरात दिख गया, बरात दिख गया। हाँ, कि बरात में कितने आदमी आ गए? आदमी एक तरफ जेब पो बैठो है, एक भीतर डाली भरा हुआ बैठो है, और दो चार भूत प्रेत चिलम पी रहे हैं। बरात ने आया, हाँ राजा हिमाचल अहंकार हो गया कि मैंने उनके कहने से इतना भोजन, इस भोजन को कौन खाएगा? लेकिन भक्तू बाबा घटघट की जानते थे। उधर से राजा हिमाचल बाबा ने क्या जो की ना, अंक मन बन बहन छुड़ायो, वाई मेल को पुत्र बना, एक बना वो दबर के सबको सनीचर नाम रख दिया। तो छोटे छोटे बालक तैयार करते, जय श्री राजा हिमाचल बाबा ने दोनों बालक नोच रहे, बच्चे रोने लगे। राजे हिमाचल बोले बच्चे क्यों रो रहे हैं? भगवान शंकर बोले बालक से मेरी दयालु भूखे में जा रही, तीन दिन को मैया छोड़कर मर गए, दो दिन के आहार करें। राजे हिमाचल मेरे इतने भंडारे पड़े पड़े बच्चे भूखे हैं, नाई को आदेश दिया दोनों बच्चों को ले जाओ भरपेट भोजन कराओ। नाई ने दोनों बालक कंधे पर बैठा ले, सबको सनी लीला दिखा रहे, एक कदम पे एक एक मन के, दो कदम पे दोनों मन के, तीन कदम पे तीन तीन मन के, जैसे तैसे महल में उपत्ते ही भटक गए। रानी मैना बोली देखो कहते फूल से बालक इनको चोट फट लग जाती, तो पूछा कि बच्चों क्यों लाए हो? दोनों बच्चे भूखे हैं। रानी मैना दोनों बालकों हाथ करके लगे हलवाई के घर जाके बैठा दे। हलवाई थे सबको चरित्र बोले अंटल अंटल सड़प्पा मारे सड़प्पी, क्या होता है? हलवाई बोले भैया जे कहा होता है सड़प्पी होते, छोटी सड़प्पा होता है, बड़ा सड़प्पी में तो जो कुछ बनाया पूरी कटोरी साग रहता है सब हजम, और सड़प्पा में जो कुछ बनवाया वो हजम, हलवाई कढ़ाई मकान दुकान सब हजम। हलवाई बोले भैया सड़प्पी मान लो। भक्तों, यहाँ रानी मैना ने तीन गलती की थी। पहली गलती, भट्टी का पूजन नहीं किया था। दूसरी गलती, पार्श्व में दीपक नहीं जला। तो तीसरी गलती, पितरों का भोजन नहीं निकाली। तीन गलती की थी। जब कुंड ने कोनी मारी, कुम्हार को सभा तैयार कर लो, सनी चन्न तैयार, दोनों बच्चे बैठ गए। राजा रानी नौकर जाकर सभी ला रहे, बामन हजार कोटी भर के भोजन का फ्रिकर ओल लाओ ओल लाओ। बाजार में दौड़ पड़े, पापड़ के भोरे की बार चकर चाप गए, और लड्डू के भोरी पसेरा खाए गए। बाबा के पास आए, बाबा बोले बेटा क्या करे, सौर सपट्टा सब करे आए, सबको संचर बाबा भी तो भूखे। भक्तों, भगवान से दोनों की भूख को शांत किया। उधर राजा हिमाचल से तो बालक दोनों खाए गए, और जो बरात कहा खावेगी? गौरा मैया ने कहा कि पिताजी तुमने अपने मन का जो अहंकार किया था, मेरे दीनानाथ ने मेरे भोलेनाथ छोटी सी झलक दिखाई है, तुम उन्हीं की शरण में जा, तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। तो भक्तों, राजा हिमाचल दोनों हाथ जोड़ के दांत को तिनका दबा के भगवान भोलेनाथ की शरण में आते हैं। तो बाबा तो बाकी भोले भाले हैं, भक्तों के लिए भोले हैं, दुश्मनों के लिए भाले हैं। माता के तिलक में चावल का दाना छुड़ा कर दे दिया, कह रही जाओ अपने भंडार तो भंडारी जो कहते हो हो जाएंगे, और आदेश कर दे बरात चढ़ाओ। तो भगवान शंकर बोले बरात का चढ़ाओ, देवता तो आए ना। तो भगवान शंकर देवता को बुलाते हैं, कैसे कैसे बुलाते हैं, कैसे कैसे बुलाते हैं, जय शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। अरे भोले बाबा ने डमरू बजाया, सारे में तोर बजाया, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। देवता अपने अपने विमान पर सवार होकर सुंदर सुंदर वस्त्रों में सज करके आ गए। ब्रह्मा जी ने जब इनका रूप देखा तो कहने लगे हे देवा देव महादेव, अब तो अपना ये रूप छोटे सी रूप में आ जाओ। क्योंकि भक्तों, गौरा की उम्र 12 वर्ष थी, भगवान का 16 वर्ष के
बड़े सुंदर से रूप में सके तैयार होते बाबा के विराज चढ़ते आगे के देवता, बीच में नंदी पर सवार भगवान भोलेनाथ और पीछे से भूत प्रेत हुआ कर तुम्हें जा रहे। जब भूत प्रेत हुआ कर रहे चश्मा लगा के बैठे ऐसे से बालक डर गए। बाबा है बाबा, बाबा है जी, बालक है मोहना बना, मेरे को तो बाबा दिखाई दे रहे हैं जी। बाबा दिख रहे हैं तो ये मैं बालक हूँ जी, बालक है। बूढ़े हो तो बूढ़े सुन के बताऊंगा सज्जन भैया, असली दोस्ती होती है बाबा नाती की। दादा गलत कह रहे हो, सही बात है ना, दोस्ती बाबा नाती की होते। अगर नाती नो कह दे के बाबा घोड़ा बना तो बाबा घोड़ा बनना पड़े वो भाई कहने भाई बालक। और अब सुनी तो बूढ़े चौ में बताऊंगा, बाबा रोटी खा रहे हुए तो नाती सुसु कर दे, बाबा नहीं कर चुकेंगे तो बाप के सामने कर दे तो दही दे बजा दे। गलत तो ना है, सही बात है। बूढ़ियों के ना बूढ़े तुम हाँ। शंकर भगवान की जय, हरे हरे महादेव। अरे मचो है भारी हल्ला हल्ला, सखी ने कहा गिर गए लल्ला लल्ला ना बेटा पल्ला, पंडित जी हाथ में लल्ला है कि फल्ला है। मम्मी ने गोद में तो कितने ना फेंको जी बता दे बेल तुम जब तक हो समारोह में आज तक ना फेंको ना फेंको ना। तो बेटा सुन ले, कितनों संकट आ जाए माँ की ममता ऐसी होती है, कुछ संकट को अपने पर ले ले, जिगर के टुकड़े पांच नहीं आने देगी। जब तू ना फेंको तो कोई माना फेंके, ये तो हम तुम तो इंसान है। ये माँ की ममता ऐसी होती है कि बंदरिया का बच्चा मर जाए और जब तक दूसरा बच्चा ना उस मरिए को सीने से लगाई रहती है, माँ की ममता ऐसी होती है। तू कह रहा है लल्ला शर्म के मारे पल्ला हल्ला हाँ, ऐसे ऐसे बराती आए। अरे मचो है भारी हल्ला, अरे मचो है भारी हल्ला, आई गई भोले की सब भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, केवल थोड़ा सा झुकना। Oh,
मारी
करे शंकर भगवान की जय। अरे इधर भक्तो भगवान शंकर मकरा को मंडप नीचे बिठा देते, ब्रह्मा जी मंत्र उच्चार करते, गौदान हो तो गौदान के बाद समय आता कन्यादान का। कहते हैं भक्तो माँ गौरा के कन्यादान के पूजन में जैसे दो वैसे पाओ, बर्तन दो बर्तन पाओ, कपड़ा दो कपड़ा पाओ, चूड़ी बिछा दो सुहाग पाओ और रुपया दो तो धर पाओ। बारी बारी सब आकर कन्यादान का पूजन करेंगे। केवल इनका पूजन करना है क्योंकि कन्यादान तो बेटी का लिया जाता है, ये तो सारे संसार की माँ जगत की जननी है। मैंने और आप इनका कन्यादान के ले सकते हैं, केवल पूजन करना है जो भी लाए हों। बारी बारी सभी आकर के कन्यादान का पूजन करेंगे, उसके बाद एक और झांकी का दीदार करेंगे, आप माँ काली के बेकराल रूप देखेंगे। जी रुक गई, बोली नाथ इससे आगे भामर में नहीं लूंगी। भगवान शंकर ने पूछा क्यों? अब एक बात माता बहना से पूछूंगा कि हमारे यहां भामरों के बाद एक गूत खुलाई रस्म कराते हैं, क्यों कराते हैं? अब सुनना और फिर बताना। मैं बताऊंगा, पहले सुनने में क्या कह रहा हूं, जब बताइयो क्यों करा होता है। छह भामर के बाद गौराजी रुकी, बोली नाथ इससे आगे भामर में नहीं लूंगी। भगवान शंकर ने पूछा क्यों? गौरा ने बताया कि आपके शीश पे गंगा विराजमान है जो मेरी सौत कहावेगी, गले में नाग है ये कहेगा मुझको भी आइए, माथे पर चंद्रमा ये बोलेगा मुझको भी आइए, और पैरों में पद में ये कहेगा मुझको भी आइए, मुझको भी आइए। पहले आप इनको अलग कीजिए। तो भक्तो उसी समय भगवान शंकर ने पद्म को पाताल लोक भेजा, चंद्रमा को आकाश भेजा, गंगा को तुम मिली ना, नाक को ढाकर के मंडप पर टांग दिया, साथ ही भमरिया गौरा ले गई। सातो जातन ने मानी, भोले बाबा ने ये मानी, ये मानी। कहते शंकर भगवान की जय, अटल स्वागमय पार्वती की जय, हर हर महादेव। अब बताओ क्यों करा बता जी, गुट खुलाई रस पे कोई ना कोई बात तो होगी, जब तो करा बता क्यों कराते हैं। बिल्कुल अभी बताइए मेरे बात, बिल्कुल अभी ध्यान करो, ध्यान कहां देख रहे हैं, हाँ देखो सुनी ना,
कले का नाग मंडप पर टांग दिया था भगवान शंकर ने, हमारे साथ में जब ली थी। और चल दिए मैना रानी का कि नाथ यही तो ले जाओ, मना किया दक्षिणा दिए जब उतारा है मंडप पे, थे नाग उतार के जब गली में डाल। मैंने कहा था कि वही रीति रिवाज चले आ रहे हैं, समय बदलो, एक दिन में दो दिन में सबरे काम है जाते हैं। पहले जिससे इनका विवाह हुआ था, हमारे आपके विवाह भी ऐसे हुआ करते थे, माता पिता लड़का दिखने नहीं जाते थे, ना ही ब्राह्मण जाया करते थे, लेकिन वो तो माता पिता फेल और स्वयं देखा मैं वो फेल, अपने आप देखा मैं छोरा छोरी राजी तो नक्का बात है फिर वो फेल, लेकिन पहले ना ही ब्राह्मण जैसा भी रिश्ता मंजूर करके आते, रिश्ता मंजूर होता था, अब तो माता पिता फेल और स्वयं फेल। क्या तो शंकर भगवान की जय, अटल स्वामी पार्वती की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भामरों के बाद पलका चारा हुआ, अब पलका चारे के बाद समय आता है भीगी पलकों का, माँ गौरा की विदाई होती है, मैया बावल की आंखों में आंसू हैं, संकी सखियों की आंखों में आंसू हैं, शेम गौरा मैया की आंखों में सभी को समझाती हैं, कैसे कैसे कहती हैं, कि मैं गुड़िया खड़े खड़े सपक रहे हैं, कहने लगी कि मां मैया बोले को समझा
शंकर भगवान की जय, अकल स्वामी पार्वती की। हेलो हेलो हेलो।